हाँ जी बच्चे देखेंगे। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें कि हम सबसे पहले एक पढ़ चुके हैं परफेक्ट इनइलास्टिक, सेकंड हम पढ़ चुके हैं इनइलास्टिक। आपको मैंने बता दिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि जो डिमांड का नेचर है वो कुछ कम्युनिटी का ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा डिमांड वेरी करता है, डिमांड में ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये जो मोर फ्लेक्सिबिलिटी है इसको हम इलास्टिक कहते हैं। और कुछ कम्युनिटी का नेचर ऐसा होता है कि उसकी डिमांड जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है, तो उसको हम इनइलास्टिक कहते हैं। इसमें लास्ट क्लासेस में मैंने परफेक्ट इनइलास्टिक पढ़ाया था, इनइलास्टिक मतलब कि डिमांड में फ्लेक्सिबिलिटी कम होना, और परफेक्ट वर्ड मतलब कि बिल्कुल भी नहीं होना, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि डिमांड में जो चेंज आ रहा है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं उसके में जो प्राइस में चेंज आ रहा है उससे। तो अगर प्राइस में चेंज आया बट डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आया तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट इन इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल होना, इन इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल का कम होना, और परफेक्ट का मतलब पूरी तरीके से। तो परफेक्ट इलास्टिक का मतलब कि पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी का नहीं होना। क्लियर है बच्चे? तो एक ऐसी कमोडिटी जिसके प्राइस इंक्रीज, जनरली तो ऐसे ही रहता है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ता है, बट कुछ कमोडिटीज ऐसी भी हैं जिसके प्राइस में चेंज आएगा तो उसके डिमांड में चेंज नहीं होता है। मैंने एग्जाम्पल लिया था लाइक सॉल्ट, मेडिसिन, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड आप इसकी कम भी नहीं करने वाले कि सब्ज़ी में आप कम नमक डालना शुरू कर दोगे, ऐसा भी नहीं रहने वाला है। और प्राइस कम हो जाए तो अभी इसका ये भी नहीं कि आप सॉल्ट का कंजम्पशन ज़्यादा कर दोगे आप, तो इसके प्राइस में चेंज कर इसके डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको परफेक्ट इनइलास्टिक कहते हैं। लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, उसके आगे बढ़ रहा थोड़ा सा हल्का सा बता रहा हूं मैं ताकि आप आ जाओ टॉपिक पे अपने। अब आज की क्लास में बच्चे डिस्कस कर रहा हूं मैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइक इसमें प्राइस में जितना चेंज आया ना डिमांड उससे ज़्यादा रिएक्ट हो रहा है डिमांड के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ, लाइक जैसे प्राइस है ना 5% राइज हुआ तो डिमांड 20% गिर गया, तो प्राइस में कितने परसेंट का चेंज आया था? 5%, और डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आया? 20%। तो जो डिमांड में परसेंटेज चेंज है वो प्राइस में परसेंटेज चेंज से ग्रेटर होता है, तो जितना प्राइस में असर नहीं देखने को मिला उससे ज़्यादा असर आपको मांग में देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? डिमांड इसकी सेंसिटिव है, डिमांड ज़्यादा इसकी वेरी करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो इसके लिए आप एक चीज़ लिख सकते हो, क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ में आया बच्चे क्या है? प्राइस में जितने भी परसेंट का चेंज आया डिमांड में उसे ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है आपको, तो इसमें कहेंगे कि डिमांड ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी नेचर की डिमांड है इसकी। ठीक है, क्लियर है? एग्जांपल के लिए अब आप इसमें एग्जांपल के लिए अगर आप किस टाइप की गुड्स होंगी, जो लग्जरी गुड्स होती है ना, लग्जरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनके बिना भी हमारा जीवन अच्छे से चल सकता है, अगर वो नहीं भी अवेलेबल है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक एसी हो गया, कार हो गया, मिठाई हो गई, ये सब लग्जरी गुड्स के अंडर में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, नेसेसरी होता है वाटर पानी हो गया, नेसेसरी होता है फूड एंड ग्रेन्स वेजिटेबल, ये नेसेसरी होती हैं। तो जो लग्जरी गुड्स होता है ना उसका प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो देखोगे आप उसकी डिमांड ज़्यादा लोग कम कर देते हैं, मिठाई उठाई महंगी हो जाए तो छोड़ो ना यार क्या ही मिठाई खाना, कोई जरूरी उसके बिना ऐसा थोड़ी क्या
सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो आप उसकी डिमांड को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो ऐसे ही गुड्स जो लग्जरी गुड्स होती है ना, लाइक स्वीट, एयर कंडीशन, ठीक है ना बच्चे, इसके प्राइस में हल्का सा बढ़ जाए तो देखोगे आप इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा गिरती है, और प्राइस थोड़ा सा गिर जाए तो देखो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती भी है। मिठाई उठाई थोड़ी सस्ती हो जाए तो रोज़ फिर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, हैं रसमलाई से एंड करोगे पूरे दिन को। आज के डेट में अगर देखें तो मोबाइल फ़ोन वैसे बुक्स में लिखा हुआ है एज अ लग्जूरियस गुड्स, बट आज के डेट में देखा जाए तो नेसेसरीज में कन्वर्ट हो गया है वो, बट बुक्स के अकॉर्डिंग ये बुक्स में आपको लग्जरी गुड्स में लिखा रहेगा मोबाइल फ़ोन एज अ। अब ऐसे एग्जांपल मत छेड़ना जिससे कि दुविधा की स्थिति बनी हुई है और टीचर कहीं गलत कर दे। तो लाइक स्वीट्स वगैरह आप ले सकते हो, एसी वगैरह आप ले सकते हो लग्जरी गुड्स के अंदर। लग्जरी में स्वीट्स नेसेसरी नहीं है, उसके बिना भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वो महंगा हो जाता है तो ये नहीं कि वो अब हमारे लाइफ के लिए सर्वाइवल के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, ईजिली आप उसको सेक्रीफाइस कर सकते हो। ऐसे मैं और आप, हम गरीब लोग हैं ना, है ना, तो हमारे यहाँ देखो मिठाई रक्षाबंधन दिवाली में आती है, बीच में आती है, बट इतना नेसेसरी नहीं है। क्लियर है बच्चे? अब वैसे भी लग्जरी और नेसेसरी के डेफिनेशन है ना, लोगों के इनकम पे भी डिपेंड करता है। जो रिच क्लास के लोग हैं उनके लिए नहीं है भैया, आप में से हो सकता है कुछ बच्चों के लिए स्वीट कहाँ से लग्जरी हो गया, ये तो नेसेसरी है यार, ये तो रोज़ ही खाते भाई। हो सकता है भैया आप रिच क्लास से बिलोंग करते हैं, और मेरे ऐसा गरीब आदमी तो इसको लग्जरी गुड्स ही बोलेगा। मैं कहने का मतलब है स्वीट्स लग्जरी मीन्स का क्या होता है, अगर वो उसके एब्सेंस में भी आप सर्वाइव कर सकते हो, इट मीन्स वो क्या है, लग्जरी है, ठीक है। तो अगर स्वीट्स नहीं है तो आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे। तो इनके प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ जाए तो डिमांड एकदम से कम होती है, ठीक है बच्चे। अब प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो डिमांड एकदम से बढ़ती भी है इन चीज़ों की। क्लियर है? तो देख रहे हो कि प्राइस के रिस्पेक्ट में, प्राइस के कंपेटिवली अगर आप कंपेयर करें तो प्राइस के कंपेटिवली डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है ना, प्राइस के कंपेटिवली डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे, बताओ जरा, हाँ ना करके बताओ जरा, आएगा नहीं आएगा इस टाइप गुड्स में, बोलो। जो लग्जरी गुड्स होंगे उसके प्राइस में जितना चेंज आएगा डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जांपल ले लिया मैंने लाइक स्वीट्स हो गया एंड एयर कंडीशन हो गया, प्राइस बढ़ जाता तो लोग बोलते हैं छोड़ो यार क्या ये, इसको लेना अब इन फ्यूचर देख लेंगे इसको अब, ठीक है। बट कुछ और नेसेसरी चीज़ होती है तो प्राइस बढ़ भी जाए तो भैया नहीं भाई डिमांड हम नहीं छोड़ेंगे, हमें तो चाहिए चाहिए। लाइक वेजिटेबल, लाइक वीट एंड राइस, प्राइस बढ़ गया तो क्या कर सकते हैं, लेना पड़ेगा, डिमांड आप कम कर ही नहीं करोगे नहीं। प्राइस कम हो जाए तो ऐसा ही नहीं, डबल डाइट खाने लग जाओगे, तो प्राइस गिरने से डिमांड कोई खास बढ़ता भी नहीं है, प्राइस बढ़ने से डिमांड कोई खास गिरता भी नहीं, जो नेसेसरी होता है। तो वहाँ तो डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता नहीं, तो वो इनइलास्टिक हो जाता है डिमांड ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। पर जहाँ डिमांड में ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है वो इलास्टिक नेचर का डिमांड हो जाता है। तो ऐसी कुछ कॉमोडिटी लाइक लग्जूरियस गुड्स जिसकी डिमांड का नेचर इलास्टिक नेचर होता है, क्योंकि वहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज मोर देन परसेंटेज चेंज इज प्राइस। क्लियर है बच्चे? अब बच्चे बात करते हैं इसकी ईडी की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली ईडी का फॉर्मूला क्या था लास्ट क्लास में, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बताओ इसमें जो है, अगर ईडी का अगर मैं फॉर्मूला चलो लिख देता हूँ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो और आपके पास में यहाँ पर परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्लियर है बच्चे? अब देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये होता है ईडी का। ईडी मीन्स क्या होता है बताया था, कि जो प्राइस में जितने परसेंट का चेंज आया, फिर डिमांड में भी चेंज आया, तो डिमांड में जितने कुछ परसेंटेज का चेंज आया, तो डिमांड में कितने टाइम्स चेंज आया, लाइक प्राइस 10% इंक्रीज हुआ और डिमांड 20%
डिक्रीज हुआ, तो जो डिमांड में परसेंटेज चेंज है वो 20 है और जो प्राइस में परसेंटेज चेंज है वो 10 है, तो डिमांड में ट्वाइस चेंज आ गया प्राइस से कंपेटिवली। जो ट्वाइस वर्ड है इसी को हम ईडी बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये ईडी का फॉर्मूला होता है, और आपको पता है ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और आपका इलास्टिसिटी के नेचर में ऑलवेज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। जब इलास्टिसिटी नेचर है तो उसका ऑलवेज डिमांड में जो परसेंटेज चेंज है वो प्राइस से कंपेटिवली ज़्यादा रहेगा, तो इसका जो रिजल्ट है ऑलवेज आपका कभी भी किसी भी डिवीज़न में जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो ऑलवेज उसकी जो उसका जो रिजल्ट होता है, जो आंसर आता है वो मोर देन वन आता है। आता नहीं आता है, भाग कर रहे हैं और ऊपर की संख्या निचली संख्या से बड़ी है, तो परिणाम आपका एक से अधिक हमेशा आएगा। करके देख लो, 7/5, 8/3, आंसर मोर देन वन आएगा। क्लियर है बच्चे? तो इसकी ईडी की वैल्यू क्या आएगी? ऑलवेज मोर देन वन। डायग्राम कैसा रहेगा इसका? डायग्राम थोड़ा लेटा हुआ रहेगा, फ्लैटर टाइप का, क्यों रहेगा उसके पीछे भी कारण समझिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डिमांड कर्व, बोलो कुछ पूछ रहे हो, पूछ रहे हो, पूछो, पूछ लो। कल क्या थे? पर हम गरीब आदमी कहाँ हेल्दी रहेंगे। देखो ओ वाई है हमारे पास में, पहले थी जब मैं यंग हुआ करता था, हाँ वो मेरे जवानी की फोटो है। हाँ जी, ये क्या है मेरा प्राइस? ओपी लेवल है, और ये डिमांड क्या है मेरा? ओ क्यू। तो ये क्या है? क्वांटिटी, ये क्या है? प्राइस। ठीक है बच्चे, देखो इसका फ्लैटर डायग्राम क्यों बना इलास्टिसिटी का, क्योंकि ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप प्राइस में जितना चेंज करेंगे डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज आएगा। करके देख लेते हैं भैया, ये प्राइस है, अब देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, किसी को बताना मत, बस बस देख लो आप, प्राइस कितना बढ़ा, ये देख लो प्राइस कितना चेंज आया इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट डिमांड कहाँ से कहाँ तक पहुँच, कितना गिर गया। तो इसमें और इसमें कंपेयर करो ज़्यादा चेंज किस में आ रहा है, तो इसलिए इसका डायग्राम फ्लैटर बनता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है बच्चे? जितना प्राइस में चेंज आ रहा है इतना चेंज आया, तो डिमांड में इतना चेंज आया है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इसलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा? फ्लैटर बनेगा। नोट करेंगे? कर लो नोट साथ के साथ। कर लिया अच्छे नोट? एक बच्चे होता है परफेक्ट इलास्टिसिटी, तीन हो गए आपके चौथा नंबर पे, पांच होते हैं टोटल, ठीक है ना, परफेक्ट इलास्टिसिटी। परफेक्ट मतलब आप समझते हैं पूरी तरीके से कंप्लीटली, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ कमोडिटी का नेचर ऐसा होता है कि प्राइस में चेंज अगर उसके नहीं भी आए ना, तब भी डिमांड इतनी सेंसिटिव होती है कि डिमांड उसका बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। लाइक ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पेप्सी एंड कोक, ये बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट है या परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। मीन्स कि क्या होता है, लाइक बिस्लेरी एंड किलने की पानी की बॉटल,
ये काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी, मैं एक जैसी हैं दोनों, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे आप क्या बिस्लरी पी रहे हैं और किलने पी रहे हैं, तो बहुत हल्का फुल्का कोई कर पाएगा तो कर पाएगा, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। तो इसको कहते हैं क्लोज सब्सिट्यूट होना या फिर परफेक्ट सब्सिट्यूट होना। इनको बिस्लरी नहीं भी आपको मिलते हैं, बोलते किलने पकड़ा देता तो आपको हर्ज थोड़ी, आपको आप ले लेते हैं, ये तो होता है। ये थोड़ी कहते हैं बिस्लरी नहीं है तो मैं पीऊँगा ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? तो यहाँ पर इसके अपने एक प्राइस है 10 रुपीज़, डिमांड इसकी 100 बॉटल की है, बट क्या हुआ किलने का प्राइस थोड़ा कम हो गया, तो लोग क्या करेंगे भैया दोनों जैसी हैं बिल्कुल, तो लोग किलने प्रेफर कर लेंगे, बिस्लरी फिर क्यों खरीदेंगे दोनों जैसी हैं, तो फिर बिस्लरी की डिमांड क्या हो जाएगी कम। बेचारे इसका प्राइस का कोई रोल भी नहीं रहा, क्योंकि इसकी इतनी नज़दीकी सब्सिट्यूट अवेलेबल है कि उसके प्राइस में अगर चेंज आ जाए तो उसकी डिमांड में भी उसका असर देखने को मिलता है। तो ऐसी कुछ कमिटी होती हैं जिसकी बहुत नज़दीकी उस जैसी बिल्कुल मार्केट में चीज़ें अवेलेबल है, तो वहाँ पर अगर उसके प्राइस में चेंज नहीं भी आ रहा होता तब भी उसका डिमांड अपने जैसी दूसरी गुड्स की प्राइस में चेंज आने की वजह से अफेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, कि प्राइस में परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है, जीरो, डिमांड में चेंज है। क्लियर है बच्चे? लाइक अगर आप इसकी ईडी निकालोगे तो ईडी क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ठीक है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ईडी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है ऊपर तो कुछ रहेगा रहेगा, बट नीचे क्या आ रहा है, प्राइस में चेंज ही नहीं आ रहा है, जीरो, फिर भी डिमांड चेंज आ रहा है। तो किसी के नीचे जीरो आ जाता है तो वहाँ पर उसका रिजल्ट क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। तो इसकी ईडी की वैल्यू क्या रहेगी, इन्फिनिटी। एक पर्टिकुलर प्राइस पर डिमांड कुछ भी हो सकता है, कम भी ज़्यादा भी। डायग्राम की अगर बात करें हाँ जी, एक्स एक्सिस प्राइस डिमांड कर ठीक है, क्लियर है? तो प्राइस है, डिमांड कर है, एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके प्राइस में चेंज नहीं भी आ रहे हैं, सेम प्राइस लेवल पे कई बार डिमांड कम हो जा रही है, कई बार डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, वेरी कर रहा है, ठीक है ना? तो ये पैरेलल टू क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? अब लास्ट आपका होता है यूनिट इलास्टिसिटी। चलिए पहले इसको नोट करो, फिर आपको यूनिट बताता हूँ, लास्ट बताता हूँ। हाँ, एक ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है कि भैया कई बार ये तुक्के वाली बात है, जो ऐसी कुछ कम्युनिटी है जो नेसेसरी के अंदर भी नहीं आती है और लग्जरी के अंदर भी नहीं आती, जो बीच की स्थिति इसकी बड़ी रहती है लोगों के लिए, लोग नेसेसरी भी नहीं बोलते उसको, जिससे कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो उतना करेगा ही करेगा, प्राइस कम हो तो डिमांड तब भी उतना करेगा, लग्जरी भी नहीं है जिससे प्राइस बढ़ा तो डिमांड ज़्यादा कम कर दिया, लोगों की बीच की स्थिति बनी रहती है। तो उस स्थिति में पॉसिबिलिटीज रहती है कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, ये रेयर होता है, ये कोइंसिडेंस वाली बात है, कि जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया सेम परसेंटेज चेंज आपका डिमांड में भी आ गया। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आप ईडी कैलकुलेट करोगे ना बच्चे, तो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में से क्या देखने को मिलेगा, दोनों ही इक्वल, तो फिर ईडी का रिजल्ट क्या आ जाएगा, वन। वन मीन्स क्या होता है, यूनिट, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है बच्चे? अगर मैं इसके डायग्राम की बात करता हूं, तो नहीं तो फ्लैटर है और नहीं स्टीपर है। आप ऑब्जर्व करेंगे तो पहले एक डिमांड कर्व ले लें, प्राइस एंड क्वांटिटी है। चलिए मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ, देखते हैं डिमांड में कितना चेंज आया। क्या ऑब्जर्व किया आपने, जितना प्राइस बढ़ा डिमांड उतना ही कम हुआ, दोनों में इक्वल चेंज देखने को मिल रहा है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आ गया आपको? क्लियर है, कोई डाउट? तो ये हमारे पास से कितने डिग्री थे इलास्टिसिटी डिमांड के, 5। ऐसे ध्यान रखना है, एक तरफ जिसमें डिमांड में जब चेंज नहीं आता तो इनइलास्टिक, तो उसके 2 हो गए, परफेक्ट इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, और एक तरफ जहाँ पर डिमांड में चेंज ज़्यादा आता है, एक हो गया परफेक्ट इलास्टिसिटी, एक हो गया इलास्टिसिटी, और बीच में हो गया यूनिट इलास्टिसिटी। क्लियर है? अब डायग्राम को लेकर के कन्फ्यूज़न आपके अंदर, तो देखो मैं 5 का डायग्राम एक बार दिखाता हूँ आपको, पहले मेरी कहानी सुन लो, उसका डायग्राम देखोगे तो डायग्राम आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ऐसे लोग अपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में देखा होगा, जिसको कुछ भी कह लो, बोल लो, समझा लो, उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ऐसे ढीठ प्रकार के लोग, उनमें एक अलग लेवल का, फिर आपको कहीं ना कहीं वो ऐसे लोग एरोगेंट होते हैं, है ना, एक एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, तो जिसमें घमंड होता है ना, मतलब उसमें झुकाव देखने को नहीं मिलेगा, वो ऐसे सर तान करके ऐसे अकड़ करके चलेगा। तो ऐसे ही वो डिमांड जिसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, उसको आप ऐसे ही देखोगे कि वो जो है सर उठा करके, सर तान करके वो वैसे चलेगा, एटीट्यूड में चलेगा, लाइक परफेक्ट इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता डिमांड में, तो ये ऐसे रहेंगे, थोड़ा सा खड़े रहेंगे, कैसे, ज़रा देखो। परफेक्ट इनइलास्टिक भाई, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ने वाला इसको, कैसे है देखो, इनइलास्टिक, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, फिर भी वैसे ही खड़ा ही, पर थोड़ा सा ये डाउन हुआ। और ऐसे लोग जो कि लोगों की बात का प्रभाव पड़ता है, तो थोड़े नरम रहते हैं, पोलाइट रहते हैं, झुक के रहते हैं लोगों के आगे, तो थोड़े से लेटे हुए मिलेंगे। देखो इलास्टिक लेटा हुआ मिला, परफेक्ट इलास्टिक, पूरी तरीके से झुकाव है, पूरा लेट गया, जा चेंज आता, यूनिट तो नहीं, दोनों के बीच की स्थिति। ईडी की वैल्यू नाम से क्लियर है, इनइलास्टिक, डिमांड में चेंज कम आएगा, मतलब नोमिनेटर छोटा है, वैल्यू लेस देन 1। इलास्टिक, डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है, नोमिनेटर बड़ा है, वैल्यू मोर देन 1। यूनिट इलास्टिक, यूनिट मतलब एक ईडी की वैल्यू। परफेक्ट इनइलास्टिक, डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा है, ऊपर 0 आ गया, आंसर 0, ईडी 0। परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, तभी डिमांड में चेंज आ रहा है, मतलब नीचे 0, आंसर नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चे? थोड़ा सा रिवाइज करोगे, माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि MCQs में आपका एकदम से सवाल आपका क्लिक करेगा, तो उसके एकदम से आपको आंसर मार्क करना है, ठीक है।